रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर ऑन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मेरे स्किन केयर और मेरे जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बहुत ही इजीली मेरे को ढूंढने में रहते हैं, बहुत ही इजीली मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन नेल पेंट से। तो ये जो है मेरा पूरा नेल पेंट जो है मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। ये मैंने प्लास्टिक की बकेट्स कुछ ले रखी हैं और इसके अंदर जो है मैं अपने नेल पेंट्स इस तरीके से रख देती हूँ। और जो सारे नेल पेंट्स हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं मेरे। और ये एक छोटा सा इस तरीके का बैग है, मैंने इसके अंदर भी ये नेल पेंट्स कुछ अपने लगा दिए हैं। और ये जो है ये सारा जो मेरा स्टॉक है नेल पेंट्स का है, और बहुत ही इजीली मैं देख सकती हूँ कि मेरे को कौन सा नेल पेंट लगाना है। और इस तरीके से मैं अपने सारे नेल्स पेंट को एक जगह पर रख देती हूँ। और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है मेरे लिपस्टिक्स की। अब जो है मैं अपने सारे लिपस्टिक्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, ताकि ईजिली मेरे को सारी जो मेरी लिप शेड्स हैं वो मिल जाएँ। तो इस तरीके से मैं सारी अपनी लिपस्टिक्स एक ही डब्बे के अंदर डाल देती हूँ, तो मैं इजीली ये निकाल सकती हूँ। और मेरे सारे लिप बाम्स और मेरी लिपस्टिक्स इसके अंदर हैं, और इसमें पूरी नई आई हैं, तो इसीलिए मैं एक और कट ये मैंने यहाँ पर रखा है। ये मेरी सारी जो है लिपस्टिक्स हैं, मैं इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। ये बिल्कुल एक ही तरफ रहती हैं, जब कभी भी मेरे को यूज़ करनी होती है तो ईजीली ये मेरे को मिल जाती है जो भी मेरे को लगानी होती है। इसके बाद बारी आती है मेरे सारी आईलाइनर्स की, मस्कारा की, जो भी आई मेकअप रहता है, और मेरी कुछ बीबी क्रीम्स जो है मैं यूज़ करती हूँ। और आप देखेंगे ये सारे जो हैं ये काजल स्टिक्स हैं मेरे पास। जितनी भी मैं काजल जो भी लगाती हूँ ये वो काजल स्टिक्स हैं, और मैं इनको इसी तरीके से लगाती हूँ और यहीं पर यहीं से लेती हूँ और यहीं पर लगा देती हूँ वापस, ताकि मेरे को इजीली अपने काजल जो हैं सारे घर में इधर उधर ना बिखरे रहें और स्टिक्स आराम से मिल जाएं। इसमें कुछ मेरे मस्कारास पड़े हुए हैं और सारा जो मेरे ये लाइनर्स हैं, ये सारे जो हैं मेरे लाइनर्स हैं, और ये सारी जो है मेरी काजल स्टिक्स हैं, तो इजीली मैं इनको देख पाती हूँ। तो ये इस तरीके इसके अंदर अपना मैं सारा आई मेकअप रखती हूँ, तो ये भी इजीली आपको यूज़ करने में बहुत इजी हो जाता है, आराम से आपको मिल सकता है प्रोडक्ट। जब आप जल्दी में होते हैं तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बहुत काम करती हैं। वॉचेस को इस तरह के डब्बे में मैंने डाली हुई हैं, और ऐसे ही मेरे अभी दो डब्बे और हैं जिसके अंदर मैं अपनी वॉचेस रख देती हूँ, तो इजीली ये भी मेरे को आराम से मिल जाती हैं। और ये जो हैं ये चूड़ियाँ हैं, इस तरीके से दो तीन और डब्बे हैं। ये थोड़ा सा डब्बा अभी फट भी गया है बल्कि, लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइज रहता है, इसे एक जगह से आप देख सकते हैं, निकाल के पहने और फिर उसको रख दे वापस, तो बहुत ही इजी रहता है। तो उसके बाद जो है ये एक मैंने DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया था, ये बहुत ही इजी है बनाने में। ये अमेज़ॉन का एक डब्बा आया था, उसी बकेट से मैंने काट के इसके ऊपर मैंने पूरा जो है ये इस तरीके से रैप कर दिया है पेपर, और इजीली जो है मेरी परफ्यूम्स क्रीम्स वगैरह इसमें पूरे में आ जाती हैं। और ये सारी मेरी ट्यूब्स हैं, जो भी मेरे एलोवेरा जेल, फेस मास्क, जो भी चीज़ें रहती हैं, जिस भी तरीके का मेरे को अपना मास्क चाहिए होता है या फिर मेरे कुछ भी फेस वॉशेज हैं, ये एनीथिंग, जो भी ये सारी ट्यूब्स हैं मेरी, मैं इस तरीके से इन ट्यूब्स को एक साइड में लगा देती हूँ, ताकि इजीली मेरे को ये मिल जाए सारे घर में, ये बिकनी ना रहे। और जो भी डियोज यूज़ करने होते हैं वो डियो भी आराम से हमें मिल जाए। ये अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और आप भी इसको इजीली बना सकते हैं, और ये कहीं पर भी आप आराम से रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये एक इस तरह का मेरे पास किट है, और तो जो ये किट है इसके अंदर मैं कुछ अपने फाउंडेशंस और मेरे कॉम्पैक्ट वगैरह जो हैं वो रहते हैं, और मैं यहाँ पर मेरे कुछ मिरर्स वगैरह हैं
ताकि वो मेरे को आराम से मिल जाए। और कुछ ऐसे आई शेडोज़ और ये कॉम्पैक्ट जो मेरे डेली बेसिस पे मेरे फाउंडेशंस वगैरह जो हैं ये मेरे को चाहिए होते हैं, तो ये इजीली मैं इसके अंदर ही और सारे रख देती हूँ और बहुत आराम से इस किट के अंदर मुझे ये मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है ये इस ये बकेट है, ये मेरा एपिलेटर है, मैं ये यूज़ करती हूँ अपना एपिलेटर, और ये मेरा मसाजर है, फेस मसाजर। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं इस तरीके से प्लास्टिक की बकेट में रख देती हूँ और जब यूज़ करना होता है उसके बाद फिर दोबारा इनको एक साइड रख देती हूँ ताकि ये सारे सामान में इधर उधर ना बिखरें। तो ये एपिलेटर और ये मसाजर है मेरा। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स, अभी दृष्टि के मैंने जो है उसके क्लिप्स वगैरह का ऑर्गेनाइज़र भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से उसके सारे क्लिप्स और बैंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अभी आज मैं अपना स्किन केयर और मैं थोड़ा सा अपना कॉस्मेटिक का जो सामान है सिर्फ वही दिखाने वाली थी आपको। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो इस किट के अंदर मैंने इस तरीके से सारे जो इसके हेयर बैंड्स हैं दृष्टि के वो लगा रखे हैं, पूरे के पूरे इजीली इसके जो हेयर बैंड्स हैं वो इस तरीके से मिल जाते हैं। तो ये पूरी किट जो है उसके हेयर बैंड्स की है और बहुत सारे जो उसके क्लिप्स वगैरह हैं उनका भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, वहाँ से वो क्लिप्स निकाल लेती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा सा एक फ्रोज़न वाला बैग है उसके पास। और बाकी जो है मेरे पास फ्रोज़न वाले बैग्स नहीं है तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ कर लेती हूँ डब्बे वगैरह प्लास्टिक के लेकर, क्योंकि ये मेरा जो है ये पूरा गत्ते का बना हुआ है, DIY ऑर्गेनाइज़र है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं रखती हूँ और ये बहुत ही इजी है रखने में, एक जगह पे आप इनको रख दें और बहुत ही आराम से सामान जो है मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यही जो है सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ और बहुत ही सिंपल है ये सब मैनेज करना। आपके पास कोई भी इस तरह के छोटे छोटे बकेट हों, आपके पास कोई भी जिनके ढक्कन नहीं होते प्लास्टिक और इस तरीके के, कोई भी चॉकलेट के डब्बे आते हैं या कोई भी इस तरह का आपके पास डब्बे रह जाते हैं जिनके कैप्स या ढक्कन ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनको इस तरीके से सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही है जो सारी चीज़ें मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं आप लोगों के साथ इसके बाद अपनी किस तरीके से मैं और सामान को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जैसे मेडिसिन्स वगैरह को या टॉयलेट्रीज को और भी जो घर के सामान रहते हैं सारे, जो भी हमारे बाथरूम के सामान से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी चीज़ें वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो। और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।